इसराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध में पिछले 13 दिनों में लगभग 4000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग घायल होने की आशंका है। बता दें कि इसराइल हमास के कुछ इलाकों को नष्ट कर दिया और उधर मंगलवार को गाजा के अस्पताल पर हुए हमले में 500 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। और अब इसी सभी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा ऐलान भी किया है। उन्होंने गाजा और वेस्ट बैंक के लोगों की मदद के लिए $100 मिलियन लगभग $830 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। बाइडेन ने ट्वीट कर बताया, मैंने $100 मिलियन देने की घोषणा की है ताकि हम गाजा और वेस्ट बैंक के लोगों की मदद कर सकें। इस पैसे से 10 लाख से ज्यादा प्रभावित फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन किया जाएगा। उन्होंने ट्वीट के जरिए आगे कहा कि हम इस मदद को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए सुनिश्चित करेंगे जो इसको पैसों की जरूरत है और इससे हमास या आतंकवादियों को कोई लाभ ना हो। बता दें कि कल बाइडेन इसराइल पहुंचे थे। उन्होंने वहां जाकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने मदद का ऐलान करने के बाद 2 ट्वीट भी और किए। इसमें उन्होंने हमास पर जमकर हमला बोला। इसराइल हमास युद्ध का आज 13वां दिन है और इस युद्ध में अब तक करीब 4900 लोगों की मौत हो चुकी है और गाजा में मानवीय संकट पैदा हो चुका है। वहां लोगों को भोजन और पीने के लिए शुद्ध पानी तक नसीब नहीं हो रहा। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो बाइडेन के बाद आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इसराइल पहुंचे हैं।